हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को एक ऐसे कीबोर्ड से रूबरू करवाने जा रहा हूँ जिस कीबोर्ड को अगर आपने देख लिया तो आप इस कीबोर्ड को कभी नहीं भूलोगे। अगर आप भी अपने टाइपिंग के एक्सपीरियंस को बढ़ाना चाहते हो, आप भी जब टाइपिंग करें तो लोग आपको देखते रहें, ऐसा कीबोर्ड अपने फ़ोन में लगाना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप देख लीजिएगा पूरा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊँगा एक ऐसे कीबोर्ड के बारे में जो कीबोर्ड अभी तक आपने नहीं देखा होगा, किसी मोबाइल में नहीं देखा होगा, प्ले स्टोर पे नहीं देखा होगा। तो कैसे आप अमेजिंग से कीबोर्ड, अमेजिंग से टाइपिंग एक्सपीरियंस को अपने फ़ोन में ले सकते हैं, उस बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। जल्दी से आप इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो प्लीज़ लाइक की जो डिमांड है वो बढ़ाओ और धड़ाधड़ लाइक कर दो, क्योंकि मैं आपका भाई और भाई को सपोर्ट करना आपका काम है। तो प्लीज़ लाइक कर दो, बिल्कुल फ्री होता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर क्लिक करके आप ऑल पर सेट कर लो, ताकि आप हमारे चैनल के मेंबर बन जाओ। और मेंबर बनना भी बिल्कुल फ्री है, तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नीचे आपको जाना है कीबोर्ड में और कमेंट सेक्शन में जाना है, और कमेंट सेक्शन में आपको 2020 ऐप कमेंट करना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 2020 लिखा है, और 2020 लिखने के बाद आपको ऐप जो है कमेंट करना है। ये वाली कमेंट मुझे चाहिए ही चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट भी कर दीजिएगा। चलिए व्हाट्सएप पे चलता हूँ, वो कीबोर्ड आपको बता देता हूँ। अब मेरे मोबाइल में है नॉर्मल सा कीबोर्ड जिसको मैं यूज़ करता हूँ, आप भी अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं। तो किस तरह से आप अमेजिंग से कीबोर्ड को अपने फ़ोन में डाल सकते हैं, उसके लिए आपको एक कीबोर्ड को डाउनलोड करना पड़ेगा। ये कीबोर्ड आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा, बट इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, वहाँ से आप इस कीबोर्ड को डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप इस कीबोर्ड को डाउनलोड करेंगे, कीबोर्ड का नाम तो आप सुनोगे ना, इसका नाम है रॉकी। देख सकते हैं ये कीबोर्ड को जैसे मैंने ओपन किया, अमेजिंग से फिल्टर, अमेजिंग से कलर आपको दिखाई दे रहे हैं। मतलब सोच लो कि ये कीबोर्ड कितना ढांसू होने वाला है। तो आपको यहाँ पर स्वाइप टू रॉकेट पे क्लिक करना है, यहाँ पर आपको यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है। जी हाँ, यहाँ पर आपको इसे सिलेक्ट करना है अपने फ़ोन में रॉकी को, और रॉकी को सिलेक्ट करने के बाद आपको सेट नाउ पर क्लिक करना है। इसको आपको पूरी तरह से अपने फ़ोन में अलाउ करना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो मैं इनके थ्रू ना यहाँ पर ऑनलाइन जो है मतलब ये आपको दिखा रहा है कि इस तरह का आपके व्हाट्सएप पे हमारा कीबोर्ड दिखाई देगा। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो आप इसकी थीम चेंज कर सकते हैं, 3D इफेक्ट इसके अंदर आप डाल सकते हैं। जैसे कि अगर आप देखते होंगे तो यहाँ ऊपर से फूल आ रहे हैं, तो वो वाला इफेक्ट आप यहाँ पर डाल सकते हो। आप वॉलपेपर डाल सकते हो, अगर आपको कोई वॉलपेपर लेना है तो आप यहाँ पर वॉलपेपर भी डाल सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पर एक LED का ऑप्शन मिलेगा, तो LED में आप कोई अच्छा सा कीबोर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं जो कि पूरी तरह से LED जैसा दिखे। तो अभी आप यहाँ पर देखो मेरा कीबोर्ड काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग दिख रहा होगा। तो इसको भी अगर आपको चेंज करना है तो आपको वापस से यहाँ पर जाना है, और यहाँ पर आप कोई और इफेक्ट यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी वाला इफेक्ट आप मेरा देख सकते हो। तो इसी तरह से आप इस कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हो। कीबोर्ड में आपको स्टिकर्स भी मिलते हैं जो कि काफ़ी अच्छी बात है। तो आप इसे डाउनलोड करो, यूज़ करो अपने फ़ोन में, काफ़ी अच्छा मज़ा आने वाला है।